हेलो एवरीवन, मैं हूं तनुष्का और आप सभी का मेरे चैनल तनुष्का ग्रीन्स पर स्वागत है। मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि सभी का फेवरेट है और आप इसे हर घर में देख सकते हैं, चाहे उनको प्लांट्स पसंद हो या नहीं हो। एक मनी प्लांट उनके घर में आप जरूर देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती है, इंडोर में भी अच्छे से रहता है, पानी में, पॉट्स में, किसी भी तरीके से ये अच्छे से ग्रो करता है। इसलिए मनी प्लांट सभी का फेवरेट होता है। मुझे भी मनी प्लांट की अलग अलग वैरायटीज़ को कलेक्ट करने का बहुत शौक है और इसी के चलते मैंने एक बहुत बड़ी लीव्स वाला मनी प्लांट जो है वो ग्रो किया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो ये मनी प्लांट है इसकी लीव्स एक्चुअल में कितनी बड़ी है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके मनी प्लांट की लीव्स भी इसी तरीके से बड़ी ग्रो करें, तो इसी के लिए आज की वीडियो में मैं कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने एक्सपीरियंस किए, मैंने अपनाए और मुझे जब रिजल्ट्स मिले तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं ये शेयर करती हूँ। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसे कहीं पे भी लगाएंगे वो बढ़ना शुरू कर देगा, और जब वो ग्रो कर रहा होता है तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं उसकी लीव्स बड़ी हो तो उसे ज़मीन में न्यूट्रिशन देने के साथ साथ उसकी जो लीव्स है उनको भी सेपरेटली न्यूट्रिशन मिले। और ये कैसे पॉसिबल होगा कि एक एक लीव को हम लोग न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएं? तो इसके लिए अगर आपके जो मनी प्लांट है वो पॉट के अंदर है तो आपको उसे मॉस स्टिक पे ट्रेन करना होगा। स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही उसे मॉस स्टिक प्रोवाइड करें, उसकी सपोर्ट दे, और इससे क्या होगा कि लीव्स जैसे जैसे ऊपर जाएंगी तो मॉस स्टिक के अंदर जो मॉइस्चर रहता है उसकी वजह से लीव्स को अलग से न्यूट्रिशन मिलेगा, क्योंकि इसमें एरियल रूट्स रहती हैं, एरियल नोड्स होती हैं, और वो मॉस स्टिक को पेनिट्रेट करके उसके अंदर चली जाती हैं और वहां से वो मॉइस्चर लेके और लीव्स को प्रोवाइड करवाती। तो इसलिए मॉस स्टिक का होना बहुत ज़रूरी है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉस स्टिक के ऊपर डेली हम लोग पानी डालें जिससे कि उसके अंदर मॉइस्चर जाता रहे जो कि रिक्वायर्ड है लीव्स के लिए। स्टिक को सिलेक्ट करते टाइम भी ये ध्यान में रखें कि आप थोड़ी जो स्टिक है वो टॉल रखें, बहुत छोटी स्टिक होगी तो उसके ऊपर हो सकता है कि जो लीव्स हैं वो उतनी बड़ी ना हो, क्योंकि ऊपर जाते जाते ही उसका जो साइज है वो बड़ा हो। और अगर आपने ज़मीन में लगाई है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज़मीन में सिंपली आप अगर किसी वॉल के पास उसे लगा देते हैं तो क्या होगा कि वो वॉल को अपने आप से पकड़ के उसकी जो एरियल रूट्स हैं वो वॉल को कैच कर लेंगी और उसके बाद में वो खुद से ही ऊपर जाते जाते बड़ी हो जाएंगी। या फिर इसे किसी ट्री के स्टेम के पास अगर हम लगाते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये आप मेरे जो मनी प्लांट है उसको देख पा रहे हैं, और एक्चुअल में जो ये वैरायटी है वो ये वाली मनी प्लांट है, और यही जो छोटे छोटे पत्ते हैं अगर इन्हें सपोर्ट मिल जाता है तो ये बहुत बड़े हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मॉस स्टिक के ऊपर ट्रेन करने के बाद में इसकी जो लीव्स हैं उनकी साइज़ कैसे ग्रो कर गई हैं, और ये रीसेंट जो लीव है अभी अभी आई है और इसका साइज़ बाकी सभी लीव्स के मुकाबले में बहुत बड़ा है। और मॉस स्टिक जब हम लोग लगाते हैं तो उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मॉस स्टिक हमारी अच्छे से मॉइस्चर को रिटेन करे। जैसे कि हम लोग मार्केट से मॉस स्टिक खरीदते हैं तो वो कुछ इस टाइप की रहती है, और इसमें जैसे ही हम लोग पानी डालते हैं सूख जाती है, इतना ज़्यादा मॉइस्चर को रिटेन नहीं करती है। लेकिन ये जो आप स्टिक देख पा रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर मैंने इस मनी प्लांट को ट्रेन किया है, वो एक सिंपल सी जो बोरी होती है, थैला टाइप के, जूट की जो थैला रहता है उससे मैंने बनाया है इसको। और इसके ऊपर एक बार जब हम लोग पानी डाल देते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से मॉइस्चर को पकड़ के रखती है, पूरा दिन भर गीली रहती है। तो आप भी अगर घर में ये मॉस स्टिक बनाना चाहते हैं तो इस तरह की जूट की जो बोरी है उससे बनाएंगे तो आपको रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे। और ये बहुत बड़ी लीफ हो जाने के बाद में इसमें नेचुरली कट्स आ गए हैं, जैसे कि मॉन्स्टेरा की लीफ में रहते हैं। ये मॉन्स्टेरा नहीं है, मनी प्लांट ही है, लेकिन इसमें अपने आप से ये कट्स बन गए हैं।
वेरीगेटेड वैरायटी की ये जो मनी प्लांट है, इसकी इतनी बड़ी लीव्स देख के हो सकता है कि आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन आपके मनी प्लांट में भी इतनी बड़ी लीव्स हो सकती हैं अगर आप इसके ऊपर ध्यान दें। मनी प्लांट वैसे तो इंडोर में भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करती है, लेकिन अगर आप उसे बाहर लगाएंगे, आउटडोर में अगर वो रहेगी, तो उसे नेचुरल जो सनलाइट है वो मिलेगी और नेचुरल ह्यूमिडिटी में उसकी लीव्स और ज्यादा अच्छे से ग्रो करेंगी, बजाय इसके कि वो अगर इंडोर में रहती है तो उसे उतनी ह्यूमिडिटी नहीं मिल पाती। अगर इंडोर में है तो आप उसे ह्यूमिडिफायर से ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करवाएं ताकि वो उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी गेन कर सके, जिससे कि उसकी लीव्स को और ज्यादा बेनिफिट हो। एक टाइम के साथ इसका जो स्टेम है, ये जब छोटी रहती है तो इसका स्टेम इस तरह से रहता है, मैच्योर होने के बाद में इसका स्टेम अपने आप में इतना बड़ा हो जाता है और इसी स्टेम के नीचे एरियल रूट्स आ जाती हैं जो कि मॉस्टिक को पकड़ लेती हैं। मैं आपको इसकी एरियल रूट्स दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे, ये इसकी एरियल रूट्स है। इन्होंने स्टिक को अच्छे से पकड़ लिया है, ये स्टिक के अंदर चली गई है और इस जो स्टेम के नीचे भी बहुत सारी एरियल रूट्स हैं जो कि लीव्स को रिक्वायर्ड मॉइस्चर प्रोवाइड करवाती हैं, वहाँ तक ये न्यूट्रिशन को लेकर जाती हैं। ये एरियल रूट्स खुद से ही डेवलप हो जाती हैं। और अगर जमीन में हम लोग इसे लगाते हैं तो ये वॉल को पकड़ लेती है, या फिर कोई भी पाइप या इस तरह का कुछ भी रहता है तो उसको पकड़ करके और ये लीव्स को ऊपर ले जाती हैं। इसके साथ साथ ही जो मनी प्लांट की लीव्स हैं उनको अच्छे से क्लीनिंग करते रहे ताकि उनके ऊपर कोई इंसेक्ट अटैक या इस तरह का हो गया जो कि उसकी ग्रोथ को इफेक्ट कर सकता है, तो वो दूर हो जाएगा रेगुलर क्लीनिंग से। क्योंकि लीव्स अगर छोटी भी हैं तो आप उसको ऊपर से नीचे से अच्छे से क्लीन करें, और लीव्स को क्लीन करने के लिए पहले जो सिंपल वाटर है उसको स्प्रे कर सकते हैं, और इसके साथ साथ में आप लोग डिटर्जेंट वाटर स्प्रे करके उसको साफ जो क्लीन क्लोथ है उससे उसे वाइप करके क्लीन कर सकते हैं। इस तरह से वाटर स्प्रे करने से क्या होगा कि उसे जो ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में अगर नहीं है नेचुरली तो वो भी उसे मिल। मनी प्लांट की बिगर लीव्स के लिए आप ये देखें कि आपका जो पॉट है वो उसकी साइज क्या है। अगर वो छोटा पॉट है तो हो सकता है कि उसके ग्रोथ जो है मैक्सिमम ना हो, 2 inches बिगर पॉट में शिफ्ट करें। उसकी रीपॉटिंग करना बहुत ज़रूरी है और टाइम टू टाइम उसकी मिट्टी को चेंज करते रहें। रीपॉटिंग के टाइम पे एक्स्ट्रा जो रूट्स का जाल बन जाता है उसको हटा दें। वैसे तो इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग उसे 6 महीने में एक बार ज़रूर कोई ना कोई फर्टिलाइजर प्रोवाइड करवाएं। इससे लीव्स की हेल्थ पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। अब बात आती है प्रूनिंग के बारे में। तो जो लीव्स पुरानी हो गई हैं, ब्राउन टिप्स हो गए हैं या बिल्कुल कटफट गई हैं तो उन्हें हटा दें ताकि जो प्लांट है उसकी न्यू लीव्स को एनर्जी मिल सके, प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन जो है वो उनका मिल सके, और जो पुरानी लीव्स हैं वो उसकी एनर्जी को वेस्ट कर रही हैं, तो उनको आप लोग टाइम टू टाइम हटाते रहें। तो ये थे कुछ इजी टिप्स जिससे आप भी अपनी मनी प्लांट की लीव्स को बिगर एंड ब्रॉडर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।